आज 17 जून महाराजा गुलाब सिंह जी के 197वें राजतिलक दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जिसने आज के जम्मू कश्मीर की नींव रखी। On 17th of June, we are about to celebrate Maharaja Gulab Singh Ji's 197th RajTilak Divas. This was the day when Sher-e-Punjab Maharaja Ranjit Singh put the tilak on Maharaja Gulab Singh Ji and appointed him the Raja of Jammu. It was a historic event 197 years ago. Achhi tarah se dekha jaye to Maharaja Gulab Singh as a statesman, as a general, as a ruler, उसके मुकाबले का 19वीं सदी में कोई नहीं मिलता। इस अवसर पर हम सब सबको बधाई देना चाहते हैं, न केवल अपने डोगरे भाई बहनों को पर अपने सभी भारतीय भाई बहनों को भी। हिस्ट्री इज रियली रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हु वी आर एंड व्हाई वी आर द वे वी आर। डोगरा हिस्ट्री को उसकी ड्यू प्लेस नहीं मिली है, इसकी उतनी अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ना स्टडी हुई है ना उसका प्रचार हुआ है। इसीलिए हम इस तरह की एक एंगेजमेंट और डिस्कशन डोगरा इतिहास पर करना चाहते हैं, क्योंकि ना केवल जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए डोगरा इतिहास का जो ये पन्ना है ये बहुत जरूरी है, बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए डोगरा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोगरा वो अकेली कौम है जिन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर का जो आप नक्शा आज देखते हैं वो बनाया है, बट दे हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अप टू द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। इतनी दूर दराज से उन हालात में जब सड़कें नहीं थी, कई किस्म के लोग थे, महाराज गुलाब सिंह ने कैसे इस रियासत को बनाया, ये बड़ी गजब की चीज है। और उसमें मैंने जो उनको स्टडी किया वो ये है कि एक तो वो बड़े मन क्लियर माइंडेड थे, जो बात सोच लेते थे वो करते करके रहते थे। महाराजा गुलाब सिंह जी की ही लाइफ को अगर हम देखते हैं तो उसमें से हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। 19th सेंचुरी में इंडिया हैड नॉट प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट स्टेट्समैन, समबडी हु वाज सो वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज वेल एज अ ग्रेट वॉरियर महाराजा गुलाब सिंह जी जैसा। और खास बात है कि आज के समय में महाराजा गुलाब सिंह जी की लाइफ को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ही कार्व्ड आउट दिस स्टेट नॉट ओनली थ्रू बैटल्स विच आर लाइक अनपैरेलल्ड इन मिलिट्री हिस्ट्री, बट उन्होंने इन सारी इस पूरी लैंड को कंसोलिडेट किया और डोगरा डिनेस्टी ने इसको साथ ही साथ कंसोलिडेट करके बहुत अच्छी तरीके से गवर्न किया। कुछ सिक्स ने मिलके एक किताब लिखवाना चाहिए उनके ऊपर, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा राइटर प्रोफेसर सतेंद्र सिंह बाबा कनाडा से, वो जहाँ प्रोफेसर से, उनसे किताब लिखवाई, बड़ी अच्छी किताब, रिसर्च करके ये किताब है द जम्मू फॉक्स बाय सतेंद्र सिंह बाबा। उन्होंने सब कुछ लिखा है कि बहुत सख्त थे गुलाब सिंह, ये था वो था, लेकिन बाद में माना है कि उनके मुकाबले का कोई आदमी नहीं था, इसमें माना है और साफ क्लियर लिखा है कि उसके मुकाबले का इस 19th सेंचुरी में शायद रणजीत सिंह के बाद और कोई आदमी नहीं हुआ है। बट आई वुड से हिज स्पेशल अचीवमेंट वाज द फैक्ट दैट ही अलोंग विद हिज डोगरा फोर्सेस, स्पेशली पीपल लाइक जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाद सिंह एंड अदर्स वर एबल टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ आवर बाउंड्रीज इंटरनेशनली टू टिबेट ऑन वन साइड, चाइना क्लोज टू व्हाट वाज देन द सोवियत यूनियन एंड अफगानिस्तान ऑन द अदर साइड। दिस वाज एब्सोल्यूट हिस्टोरिक अचीवमेंट एंड द साइज ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनली वाज रेटिफाइड बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 वाज क्लोज टू 82,000 स्क्वायर माइल्स और 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स व्हिच इज ऑलमोस्ट द साइज इफ नॉट लार्जर देन द यूनाइटेड किंगडम। इट वाज महाराजा गुलाब सिंह हु क्रिएटेड दिस यूनिक एम्पायर। इन फैक्ट दिस वाज द ओनली एम्पायर लेफ्ट इन इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश। फर्स्ट द मुगल एम्पायर वेंट डाउन, the Maratha Empire also, and finally the
Sikh Empire. Only one empire survived the British Empire was Dogra Empire. And who created this Dogra Empire? Maharaja Gulab Singh. सबसे बड़ी बात आज के दिन ये याद रखने की है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है जम्मू कश्मीर की इन सरहदों की हिफाजत के लिए। हम सबको जल जोरावर सिंह, जलबाज सिंह और मेहता बस्ती राम जी का भी पता होना चाहिए, जिन्होंने गिलगित, बाल्टिस्तान, स्कारदू, लद्दाख व अन्य लड़ाइयां जीतकर जम्मू कश्मीर के साथ उनको मिलाया। ऐसे योद्धा बार बार पैदा नहीं होते और हम सबको इन पर गर्व होना चाहिए। बट ही क्रिएटेड ए यूनिक स्टेट एंड रूल्ड दैट स्टेट, डोगरास रूल्ड दैट फॉर 100 इयर्स टिल 1947। द अदर एट्रीब्यूट दैट आई वुड गिव टू महाराजा गुलाब सिंह जी is the fact that he was able to bring together people of varied communities and regions. In today, what is becoming increasingly difficult to administer and an increasingly polarized environment, I think it is extremely important to give him that credit and accept the fact that if he was able to bring about a state that is so varied in terms of ethnicity, in terms of geography, in terms of region, religion, cultures, and also rule over it successfully for over 100 years, I think it was an immense achievement and it must be appreciated. कितनी रियासतें थी, किसी रियासत का राज उन्होंने खुद नहीं लिया, उनके राजा को ही राजा बनाते रहे, जिससे क्या हुआ कि कोई डोगरों के खिलाफ कोई बात कहने वाला नहीं था। और देखिए उनकी जो रवायात बनाई है, कभी डोगरा ने किसी का मजहब बदला नहीं, किसी को कोई किसी, अब उनकी लैंग्वेज हमने नहीं बदली, उनका खाना नहीं बदला, वो सब 100 साल अपने अपने अपनी जगह राज भी करते रहे, खाना भी अपना, लैंग्वेज उनकी अपनी, कोई औरत किसी ने कन्वर्ट नहीं की, कभी रेप कोई बात नहीं सुनी आपने, डिसिप्लिन था, कैरेक्टर था हमारे डोगरा फोर्सेस। मैं एक चीज खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि महाराज गुलाब सिंह जी की जो रियासत है जम्मू कश्मीर जो उन्होंने बनाई थी, उस रियासत में इतने अलग अलग किस्म के लोग थे, अलग अलग फेथ्स थे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, अलग अलग कल्चर्स थे, लेकिन सभी को रिस्पेक्टेबिलिटी दी जाती थी और सभी लोगों को फ्रीडम थी कि वो अपना फेथ पूरी तरीके से इंजॉय करें और फॉलो करें, और तब भी लोग एक साथ जुड़कर एक मतलब हिंदुस्तान की 5 प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती थी। महाराजा गुलाब सिंह का हिंदुस्तान के प्रति बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारी डोगरास की बहुत कंट्रीब्यूशन है। हिस्ट्री हैज नॉट डन जस्टिस टू इट द वे इट शुड, एंड आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग इट फोर्थ टू द पब्लिक एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस, स्पेशली अमंगस्ट द यंगर जनरेशन, and feel a sense of, take a sense of pride in it and try and understand what his role in modern nation building was, especially in the northern frontiers where he was able to extend his forces and the territories to such an area which unfortunately half of it does not exist with India anymore. It is under Pakistan occupation, and the other half that is with us is also we are finding it difficult to keep it together. महाराजा गुलाब सिंह को किसी ने पहचाना तो महाराजा रंजीत सिंह ने पहचाना, और उसी की वजह से सिख अंपायर बनी। मैं तो ये समझता हूं कि सिख अंपायर बनाने में भी महाराजा रंजीत सिंह की 1820 के बाद 10 साल 15 साल जिसमें वो अपने अंपायर स्टेब्लिश कर रहे थे, तो गुलाब सिंह उनके पास थे। जहां मुश्किल आती अफगानिस्तान के लड़ाई में, मुल्तान में, तो जब अपने उनके जनरल उनको यकीन नहीं रहता तो हमारे गुलाब सिंह को बुलाते और वो कैंपेन उनको वो जीत के आते। तो उसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह उनको बहुत चाहते, जाने लगे थे, और इसीलिए उन्होंने खुद आकर के अखनूर में उनको राज तिलक खुद टीका लगाया। जियो पोता एक दरख्त था वहां उसके नीचे, और
मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और समझो अगर तो वही दिन बनता है रियासत का एक संगठन करने का, पूरी रियासत वहीं से शुरू होती है। वी कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम महाराजा गुलाब सिंह जी, फ्रॉम द डोगराज, राइट अप अंटिल महाराजा हरि सिंह जी एंड डॉक्टर करण सिंह जी, फॉर द वे दे हैव फेस्ड दीज चैलेंजेस, फॉर द वे दे वर एबल टू कीप देयर पीपल टुगेदर एंड ऑल्सो ट्रीट पीपल इक्वली विद इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट एंड अलाउ पीपल टू फॉलो देयर फेथ्स विदाउट एनी इश्यूज। जिस कौम ने अपने इतिहास पर गर्व ना किया और उसे संजो कर नहीं रखा, उस कौम का विनाश होना तय है। इसीलिए अपने डोगरा होने पर गर्व कीजिए और अपने इतिहास को जानिए। प्लीज टेक प्राइड इन योर डोगरा आइडेंटिटी। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करें, दैट वी टेक प्राइड इन इट, वी अंडरस्टैंड इट, वी पार्टिसिपेट इन आवर फेस्टिवल्स, वी पार्टिसिपेट इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लाइक महाराजा गुलाब सिंह जी राजतिलक दिवस सेरेमनी ऑन द 17th ऑफ जून। आज 197 इयर्स आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जी, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग हिज कोरोनेशन फ्रॉम 1st ऑफ जून। दिस ईयर ऑन वॉइस ऑफ डोगरास फेसबुक एज वेल एज ऑन ट्विटर हैंडल वी हैव बीन शेयरिंग फास्ट फैक्ट्स अबाउट महाराजा गुलाब सिंह जी। We have always given a lot of importance to our history. We believe that our Dogra history should be shared with all our people around, and that's why we have been doing these fast facts since 1st June. अगर Dogra community या जम्मू कश्मीर के लोग मिलके कुछ ऐसे अपने identity को मजबूत बना सकें, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी achievement होगी, और इसमें हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा हाथ होना जरूरी है। 100 साल की history अगर किसी कौम की कोई भी पड़ेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असली चीज तो बेसिक तो जम्मू ही है, और जम्मू का डोगरा है, और जम्मू को डोगरे को अब पता लग रहा है कि क्या कमाल की हिस्ट्री थी, अब वो समझ गया है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि अब जम्मू के डोगरा यूथ सारे और डोगरा वो अपनी पहचान बना रहे। मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है और अपने डोगरा होने पर। जय डुग्गर, जय भारत।